सो हाय गाइस, दिस इज़ प्रियंका और आज मैं आपके सामने कलेक्शन लेके आई हूँ ऑयली स्किन के लिए फाउंडेशंस का। और इस वीडियो में मैंने हर टॉपिक कवर करने की कोशिश की है, जिसमें मैं आपको बता रही हूँ कि वो ब्रांड कौन सा है, पैकेजिंग उसकी कैसी है, शेड क्या क्या अवेलेबल है, मेरे पास कौन सा शेड है, कितनी क्वान्टिटी मिलती है, प्राइस क्या है, शेल्फ लाइफ क्या है, ऑनलाइन अवेलेबल है या नहीं, ट्रैवल फ्रेंडली है या नहीं, कौन से स्किन टाइप को और सूट कर सकता है, उसके क्लेम्स क्या हैं, कवरेज क्या है, इंग्रेडिएंट है प्रोडक्ट पे है या नहीं, पैराबेन या क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट है या नहीं, या स्टेइंग पावर कितनी है, या फिर वो ऑक्सीडाइज्ड कितना होता है, फ्रेग्रेंस कैसी है और मेड इन कहाँ का बना हुआ है। और इसके अलावा इससे भी ज़्यादा डिटेल वीडियो देखनी है तो सबके इंडिविजुअल रिव्यू मैंने कर रखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बस मैंने यहाँ पर इतना नहीं दिखाया कि कितना ऑक्सीडाइज्ड होता है। और ये रहे मेरे फाउंडेशंस, 5 फाउंडेशंस हैं मेरे पास। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप ख़रीदना चाहते हैं या नहीं, या इसके अलावा भी और भी फाउंडेशन है जो आप खरीद सकते हैं। सो आई होप वीडियो मेरा हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट फाउंडेशन है वो है मेरे पास लैक्मे परफेक्टिंग लिक्विड फाउंडेशन। ये जो फाउंडेशन है ये सुपर डुपर अफोर्डेबल है और इसकी जो कॉस्ट है वो है 27 ml का ये प्रोडक्ट है और इसकी कॉस्ट अराउंड 150 है। और ये जो है फाउंडेशन ये ऑयली स्किन वालों के लिए परफेक्ट है, क्योंकि ये एक वाटर बेस्ड फाउंडेशन है और इसे यूज करने से पहले आपको शेक करना पड़ेगा, इसमें लिखा हुआ भी है, प्लस ये वाटर बेस्ड है इसलिए ये अलग हो जाता है। सो इसकी जो कवरेज है वो शीयर टू मीडियम है, मीडियम भी तभी आती है जब आप इसे बिल्डअप करते हैं, और इसे यूज़ करने के बाद एक इंस्टेंट सा ग्लो आ जाता है फेस पर, बट आपको इसे बिल्डअप करना पड़ेगा और इसे आप सिर्फ 2 लेयर्स तक ही कर सकते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा करेंगे तो फिर ये बेकार लगता है, केकी सा लगता है। सो नेक्स्ट बात करते हैं हम इसकी पैकेजिंग जो है वो ग्लास बॉटल में आती है और कुछ पंप वगैरह नहीं मिलता, सब मैसी सा हुआ रहता है। सो लेकिन अफोर्डेबल है इसलिए इतना चलता है और ये आपके फेस पे 3-4 आवर इजिली रहेगा। और अगर शेड रेंज की बात करें तो उसमें 4 शेड्स अवेलेबल हैं, प्लस फ्रेग्रेंस इसकी ओके है, ज्यादा कुछ खास नहीं है। और इसकी जो शेल्फ लाइफ है यहाँ पे मेंशन है कि 30 मंथ्स है, और इसमें जो ये क्लेम में बताता है कि ये ऑयल फ्री है, यस ये ऑयल फ्री है, विटामिन ई है, वाटर रेजिस्टेंट है और मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। और इसमें जो ये शेड है मेरे पास ये है नेचुरल कोरल फॉर वीटिश टू डस्की स्किन। वैसे ये मेरे स्किन के लिए बहुत डार्क है बट फिर भी ये अफोर्डेबल फाउंडेशन है। सो इफ यू आर बिगनर सो आप इस फाउंडेशन को यूज कर सकते हैं। सो चलिए नेक्स्ट फाउंडेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट फाउंडेशन जो है मेरे पास वो है वेट एंड वाइल्ड फोटो फोकस फाउंडेशन, और इसमें जो मेरा शेड है वो है सॉफ्ट बीज एंड पैकेजिंग इसकी बहुत ही प्यारी लगती है और ग्लास बॉटल में आता है और इसकी जो क्वांटिटी है वो आप देख सकते हैं 30 ml की है और इंग्रेडिएंट लिस्ट सब यहाँ पे मेंशन है, प्लस इसकी जो MRP है वो 599 रुपीज है, लेकिन आपको अंडर 500 इजिली मिल जाएगा सेल में। यहाँ पे मेंशन है कि इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो 3 इयर्स की है और ये क्रुएल्टी फ्री पैराबिन फ्री प्रोडक्ट है। और इसकी जो क्लेम है वो ये है कि यहाँ पे मेंशन है कि अंडर 7 लाइट कंडीशन, ये 7 लाइट कंडीशन में टेस्ट की गई है, प्लस विद टॉप स्मार्टफोन मॉडल्स। सो इसकी जो खास बात ये है कि जब हम फ्लैश के साथ फोटो लेते हैं तो इसमें फ्लैशबैक नहीं आता, मुंह पे जो दिखता है ना कि फाउंडेशन लगाया है ये उसे नहीं दिखाता। सो ये उस चीज के लिए सबसे बेस्ट फाउंडेशन है। और इसमें जो शेड्स है वो बहुत सारे शेड्स अवेलेबल हैं, आप अपने स्किन टोन के हिसाब से इजीली ले सकते हैं। और ग्लास बॉटल होने के साथ साथ ये पंप के साथ आता है, सी फिर भी ये मैसी हो जाता है, सॉरी पंप के साथ नहीं स्पैचुला के साथ आता है, विच इज गुड थिंग। और इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत ही ज्यादा बेकार है, सबसे ज्यादा जितना अच्छा ये फाउंडेशन है ही बेकार इसकी
खुशबू है। और नेक्स्ट थिंग बताऊं, ये एक्सट्रीमली ड्राई है, बहुत ही ज्यादा ड्राई स्किन वाले तो इसे सोच के भी यूज नहीं कर सकते। बाकी ये फाउंडेशन बहुत अच्छा है और कवरेज भी इसकी बहुत अच्छी है, हाई कवरेज नहीं है, लेकिन एक से दो बार बिल्डअप करने के बाद ये बिल्कुल हाई कवरेज फाउंडेशन बन जाता है। सो आफ्टर दिस आई हैव नेक्स्ट फाउंडेशन, दिस इज मेबलिन न्यूयॉर्क फिट मी फाउंडेशन। और ये जो फाउंडेशन है जिसमें मेरा शेड है 128 वार्म नूड, और ये जो क्लेम करता है फाउंडेशन की मैट पोरलेस और नॉर्मल टू ऑयली स्किन। और ये जो है दो क्वांटिटीज में अवेलेबल है, ये जो है 18 ml का है और इससे बड़ी जो क्वांटिटी आती है वो 30 ml की होती है। इसका जो प्राइस है वो 299 rupees है और जो इससे बड़ी ग्लास बॉटल आती है वो आती है 500 के राउंड। और ये जो है ट्यूब फॉर्म में है जबकि वो ग्लास बॉटल विद पंप के साथ आती है। तो इसमें भी काफ़ी शेड्स अवेलेबल है, लेकिन जो स्मॉल ये जो ट्यूब फॉर्म है स्मॉल, इसमें सिर्फ आपको 6 शेड्स मिलेंगे। और ये जो फाउंडेशन है ये हर किसी का फेवरेट फाउंडेशन है, आप जिसे भी देखेंगे चाहे वो यूट्यूबर हो, ब्लॉगर हो या मेकअप आर्टिस्ट हो, हर कोई इसे लेना बहुत ज़्यादा पसंद करता है। प्लस ये ब्रांडेड भी है इस वजह से। और जैसे कि ये कहता है कि मैट पोरलेस, तो यस ये अपने क्लेम पे आता है, बिल्कुल सही, ये बिल्कुल आपके फेस को पोरलेस बना देता है। और इसकी जो कवरेज है वो मीडियम टू हाई है, ऑलवेज बिल्डअप ही करना पड़ता है, और समर सीजन के लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है और ट्रेवल फ्रेंडली तो ये है ही। और इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो ओके है, कुछ खास नहीं है। और प्लस इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो 3 years की है। सो दिस इज द वेरी गुड फाउंडेशन फॉर द समर। सो नेक्स्ट आई हैव दिस फाउंडेशन, एंड दिस फाउंडेशन इज फ्रॉम लॉरियल पेरिस इनफेलिबल प्रो मैट। और ये जो है डेमी मैट फिनिश, एयर लाइट और ऑयल फ्री फॉर्मूला है, और इसकी जो क्वांटिटी है वो है 30 ml। और ये जो क्लेम करता है अप टू 24 hours फाउंडेशन, और ये भी जो है ट्यूब फॉर्म में आता है, सिर्फ इसकी यही पैकेजिंग आती है। और ट्यूब फॉर्म में होने के साथ साथ यहीं पे आपको शेड नेम मेंशन दिख जाता है, ये ट्रांसपेरेंट है जहां से आप अपना शेड देख सकते हैं। प्लस आप ये भी देख सकते हैं कि आपका कितना फाउंडेशन खत्म है या बच गया है। और इसमें भी बहुत सारे शेड्स अवेलेबल है, प्लस ये भी ऑक्सीडाइज्ड होता है। और इसकी जो MRP है वो 750 rupees है फॉर 30 ml। और इसकी भी मीडियम कवरेज ही है, लेकिन बिल्डअप करने के बाद ये बहुत अच्छा कवरेज देता है। और जैसे कि ये मैट नहीं है, डेमी मैट है, तो ये ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा है। प्लस इसके बाद कॉम्पैक्ट से सेट करने की भी नीड नहीं होती और परफेक्ट है ये समर के लिए तो। और इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बट ये एक लाइट फाउंडेशन है, बहुत ही ज्यादा लाइट। और प्लस इसके क्लेम भी यहाँ पे लिखे हुए हैं बहुत सारे, और प्लस ये ऑयल कंट्रोल करने के लिए भी बहुत अच्छा है, बट ये भी ऑक्सीडाइज्ड होता है। दिस फाउंडेशन इज ऑल्सो गुड फॉर ऑयली स्किन। सो नेक्स्ट आई हैव नेक्स्ट एंड लास्ट आई हैव दिस लैक्मे 9 to 5 वेटलेस मूज फाउंडेशन, जिसमें मेरा शेड है 01 रोज आइवरी। और इसकी जो शेड रेंज है आई डोंट नो अबाउट इट। और ये जो फाउंडेशन है ये 6 grams है, और प्लस इसकी जो MRP है वो 6 grams की 150 rupees है। नेक्स्ट ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, और जैसे कि ये क्लेम करते हैं कि मूज फाउंडेशन है, तो यस ये बिल्कुल मूज की तरह है, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट कंसिस्टेंसी है इसकी। और इसका जो ट्यूब फॉर्म में तो है ही, और इसका जो ये बहुत ही छोटा सा होल है जिससे एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं निकलता। एंड सी द टेक्सचर, इजीली ब्लेंड हो जाता है, मैंने हालांकि थोड़ा सा लिया, इजीली ब्लेंड हो जाता है और बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है, और बिल्कुल आपके स्किन को जो है ये बिल्कुल इवन स्किन टोन कर देता है, पर ये कवरेज ज्यादा नहीं देता। नेक्स्ट
ये जो है बिल्कुल कंसिस्टेंसी इसकी ओके है, ब्लेंड बहुत जल्दी होता है, एब्जॉर्ब भी इजीली हो जाता है, और इसे ब्लेंड करने के लिए ना तो ब्रश या ब्यूटी ब्लेंडर की नीड नहीं होती। आपको हैंड से भी आप इसे बहुत अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं, और समर्स के लिए बहुत अच्छा है। ये ड्राई फील भी नहीं कराता, ट्यूब पैकेजिंग है तो ट्रैवल फ्रेंडली भी है ये, और फ्रेग्रेंस भी इसकी ठीक है। और शेल्फ लाइफ की बात करूँ तो यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं है, बस ये लिखा है यूज बिफोर जनवरी 2021। तो ये जो है बहुत अच्छा है डेली यूज के लिए, बट फिर भी आप डेली यूज ना करें है तो उसमें फिर भी फाउंडेशन की प्रॉपर्टी बाकी, ये बहुत अच्छा फाउंडेशन है। सो बैक टू बैक मैंने आपको 5 फाउंडेशन दिखाए, लैक्मे 95, लॉरियल, पेरिस, वेट एंड वाइल्ड, फोटो फोकस फाउंडेशन, मेबलिन, फिट मी, लैक्मे परफेक्टिंग। ये जो 5 फाउंडेशन है ऑयली स्किन के लिए बेस्ट है, और मैंने हर एक टॉपिक को कवर करने की कोशिश की थी कि मैं जल्दी जल्दी आपको हर चीज़ बता सकूँ। तो इनमें से आपका फेवरेट कौन सा है, और आप इनमें से कौन सा यूज़ करते हैं, या इनके अलावा कौन सा यूज़ करते हैं, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, चैनल शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।